इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम इनू गए तो ऐसा हुआ, इनू गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो यहां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो करना देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे, अब किसकी वजह से हारे बोलो आप। अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को, अरे शेरवानी तो नहीं आई आप, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से, जरा समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते। मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे दो एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह हैं, इम्तियाज जलील तीन लाख बीस हजार के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, सोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे।